नमस्कार आज दिन चर्चित खबर से अर्गस प्राइम ओडिशा को स्वागत करुछ शक्ति साई मिश्र बुलेटिन को आगे बढ़ावा पूर्व प्रथम देखने कौन रही वर्तमान हेडलाइंस टीकाकरण को वेग देवाई प्रधानमंत्री मंत्र 40 जिलार जिलाधिकारी कथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण को त्वरान्वित करने गुरुत्व द्रुत टीकाकरण पर स्थानीय स्तर में रणनीति प्रस्तुत करने को परामर्श मोदी सरकार का हर घर दस्त कार्यक्रम पर राज्य में प्रस्तुति स्वदेशी टीका कोवैक्सीन को मिला हूर स्वीकृति कोवैक्सीन को जरूरी कालीन व्यवहार सूची में सामिल डब्ल्यूएचओ वैषयिक परामर्श टीम कर सुपारिश निकट में G20 शिखर सम्मेलन में कोवैक्सीन को जरूरी कालीन व्यवहार अनुमति देवारे डब्ल्यूएचओ विलंब कथा उठाई प्रधानमंत्री मोदी कलाहांडी कार्यक्रम केउ निष्पत्ति नेबे नवीन बदनाम मंत्री दिव्यशंकर को निज पाखरे बसाइबे कि मुख्यमंत्री जनमत को सम्मान देबे ना क्षमता अलंधुरे मदमस्त हेबे विवादिया मंत्री क्षेत्र में मयूरभंज निष्पत्तिर हेबो कि रिपीट दीपावली पर खोली पारे षष्ठ और सप्तम श्रेणी समान एसओपी मध्य खोल स्कूल गणशिक्षा मंत्री सूचना पर्यायक्रमे प्रथम पंचम श्रेणी खोल को योजना डिसेंबर पूर्व निजुक्त हेबे 16,000 शिक्षक सौंदर्यकरण बनाम गरीब कल्याण दोछकी डीएमएफ फंड जिला खनिज प्रतिष्ठान पांठि पोखरी सौंदर्यकरण पर आदिवासी विकास पर खणी अंचल गरीब लोकों विकास पांठि को अबाटे खर्च कर विवाद में सुंदरगढ़ जिला प्रशासन देखा अर्गस ग्राउंड रिपोर्ट महंगा डबल मर्डर पचर खलनायक किए काबुआर मृत्यु दुर्घटना ना हत्या बढ़ला मंत्री प्रताप जनांक अड़ुआ महंगा डबल मर्डर घटनारे साक्षी बयान रेकर्ड निरपेक्ष तदंत कर पुलिस ना आईन मंत्री को खसाइवाई हेब पुणी षड्यंत्र बाचस्पति पद मर्यादा को सम्मान देलेनी बीजेडी कर्मी दलय कली भितर फसी रहिले बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र दलठ ऊर्धर बाचस्पति सम्मानित करने को पचारे शासक दलर कर्मी स्कूल उद्घाटन करने को जा गंजाम टिकरपड़े बाचस्पति और सांसद हटहटा बीजेडी पावरफुल विधायक प्रसाद मुदुरी एरिया पावरफुल काम माटी उपरे पिचु ढाली कोटि कोटि टंका स्वाहा हाथ मारे उठू पिचु तीन दिन गलानी कोटि कोटि टंकार काम जगत सिंहपुर जिला बालीसाहिरु नछिपुर पर्यंत रास्ता काम को नहीं उठिला प्रश्न पुणी विवाद रे पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर सुशांत सिंह एंड टीम कुचिंडारे बीजेपी कर्मी धारणा स्थल को आसी बीजेडी कर्मी उत्पात नीरव द्रष्टा साजिला पुलिस विश्रृंखलित बीजेडी कर्मी बदल रे प्रतिवाद पाई धारणा रे बसीथिबा बीजेपी कर्मी को उठाई नेला पुलिस पुलिस अजब कार्यशैली को नहीं चर्चा राज्य में वर्षक बढ़ी 21% आत्महत्या हार एनसीआरबी रिपोर्ट रे सामना को आसला तथ्य मानसिक अवसाद जो आत्महत्या रास्ता बाछुंट युवपीढ़ी पारिवारिक कलह जनित आत्महत्या हार रे आगरे ओडिशा बेकारी भी युवपीढ़ी का आत्महत्या पक्षर अन्यतम कारण तीन गुणा वृद्धि पाई छात्र छात्री आत्महत्या टीकाकरण समीक्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 50% कम टीकाकरण होता राज्यर प्राय 40 जिलार जिलाधिकारी सहित भर्चुआल आलोचना कर मोदी आलोचन राज्यर मुख्यमंत्री माने सामिल होते तेरे समस्त जिले में प्रथम डोज 50% कम लोक नहीं बेले द्वितीय डोज बहुत कम प्रतिशत लोक नहीं टीकाकरण हार ह्रासर समीक्षा करने और खूब शीघ्र एठार टीकाकरण हार वृद्धि को त्वरान्वित करने नहीं आलोचना कर प्रधानमंत्री टीकाकरण को बेग देवाई प्रधानमंत्री मंत्र
40 जिला अधिकारी भर्चुअल बैठक फोकस रे टीकाकरण रे पछरे थिबा जिला द्रुत टीकाकरण पाई स्थानीय स्तर रणनीति को गुरुत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दिन 40 रु अधिक जिल्लार जिला मजिस्ट्रेट मानक सह एक समीक्षा बैठक करिसंती जिला मानकरे कम संख्यक लोकंकु टीकाकरण करा जायछि विशेष भाबरे जेउ जिला मानकरे 50% रु कम लोक टीकाकरण प्रथम डोज नेइछंती एवं जेउटारे द्वितीय डोजर वैक्सीन पाइथिबा लोकंक संख्या मध्य कम सेही जिला अधिकारी मानंकु टीकाकरण को त्वरान्वित करिबा उपरे ध्यान देबाकु कहिछंती प्रधानमंत्री। कोविड टीकाकरण पई स्थानीय स्तर रे एक रणनीति प्रस्तुत करिबाकु पड़िबो। हर घर दस्तक कार्यक्रम जरिया रे प्रथम डोज परे द्वितीय डोज नेबाकु नै समान ध्यान देबाकु पड़िबो। कोविड टीकाकरण पई स्थानीय स्तर रे एक रणनीति प्रस्तुत करिबाकु पड़िबो। टीकाकरण रे महिला सहकर्मी का सहायता नियाजिबार आवश्यकता रहिछि। टीकाकरण को कार्यकारी करिबा दिगरे निर्दिष्ट अंचल धार्मिक नेता वार्ता को मध्य विशेष गुरुत्व देवा जरूरी बोली प्रधानमंत्री ए अवसर रे कहिछंती। इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। आप इसमें स्थानीय धर्म गुरुओं को भी जोड़े, उनकी मदद ले, उनके छोटे 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 वीडियो बनाए दो दो तीन तीन मिनट के और उनके वीडियो पॉपुलर करे, हर घर में उनके धर्मगुरुओं के वीडियो पहुंचे, धर्मगुरु उनको समझाएं, इसके लिए प्रयास किए। और मैं तो अक्सर अलग अलग पंथों के गुरुओं से लगातार मिलता रहा हूं। मैंने बहुत प्रारंभ में सभी धर्मगुरुओं से बात कर करके इस काम में मदद के लिए उनको अपील की थी और सभी वैक्सीनेशन के बहुत हिमायती हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। देखिए, मैंने अभी जैसे बताया, अभी दो दिन पहले ही मैं वेटिकन में था, पोप फ्रांसिसी से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा। जेउ राज्य गुड़ी का 100% टीकाकरण करिबारे सफल होइछंती ताहा सही अंचल प्रशासन प्रत्येक सदस्य स्वास्थ्य कर्मचारी कठिन परिश्रम हेतु संभव हो पारिछि। किंतु देश रे 1 बिलियन टीकाकरण परे मध्य आमे कोरोना विरुद्ध लड़ाई को जारी रखिबा उचित। जदि आमे अवहेला करिबा तबे आउ एक नुआ संकट आसी पारे बोली एही अवसर रे चेतावनी दैछंती प्रधानमंत्री। हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी, कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है। लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी डीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है। और इसलिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। 100 वर्षर यह सबुठ बड़ा महामारी रे देश को कड़ा संघर्ष सम्मुखीन होवाक पड़ी और आनेक आह्वान सम्मुखीन होवाक पड़ो। यही जिला गुड़िक टीकाकरण वृद्धि पर अभिनव उपाय अवलंबन करी टीकाकरण को त्वरान्वित करने को कहिछंती प्रधानमंत्री। 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की है। आपको भी अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा। नया तरीका, नया उत्साह, नई टेक्निक, ये इसमें जान भरती रहे। तेबे कम टीकाकरण होइतिबा 40 जिला गुड़ी का विशेष भाबरे झारखंड, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्य रे रहिछि। आज प्रधानमंत्री बैठक रे जिला अधिकारी मानक सहित राज्य मुख्यमंत्री माने मध्य उपस्थित थिले। ओडिसा रो केतेक जिल्ला रे मध्य द्वितीय डोज टीका नै नथिबा लोकक संख्या अधिक रहितबार जणा पडिछि। आगो को केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय रो हर घर दस्तक कार्यक्रम माध्यम रे संपूर्ण टीका दान रो लक्ष्य साधित होई पारिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। कोवैक्सीन को मिलला विश्व स्वास्थ्य संगठन रो स्वीकृति। कोवैक्सीन को स्वीकृति देवा पाई विश्व स्वास्थ्य संगठन रो वैश्विक परामर्श टीम सुपारिश परे हु एहा को स्वीकृति देछि।
गत मासरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैषयिक परामर्श टीम कोवैक्सीन को जरूरीकालीन व्यवहार सूची में सामिल करने सुपारिश करने पूर्व टीका निर्माता भारत बायोटेक को अन्य समस्त तथ्य मगा जाइथिला। बुधवार विश्व स्वास्थ्य संगठन टेक्निकल टीम रो बैठक में कोवैक्सीन को जरूरीकालीन सूची में सामिल करा सुपारिश करा पर हु यहा को स्वीकृति देछि। निकटरे 2022 शेष सुधा देश एवं विश्व पई 500 कोटी कोरोना वैक्सीन रो डोज उत्पादन करबा को भारत प्रस्तुत बोली रोम रे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिथिले। एतिस G20 शिखर सम्मेलन प्रथम सेशन को संबोधित करी मोदी भारतर कोवैक्सीन को जरूरीकालीन व्यवहार अनुमति देवारे WHO विलंब कथा उठाई। कोवैक्सीन को WHO अनुमोदन भारतर प्रतिश्रुति पूरण करिबारे बहु दूर जीव कारण यह टीका विकासशील देश को वर्तमान असमानता ह्रास करिबारे सहाय्य करिबो बोली वैदेशिक सचिव हर्ष श्रृंगला कहिथिले। कलाहांडी कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री निष्पत्ति उपरे नजर। ममिता मेहर हत्या घटना रे बदनाम मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र स्टेज रे बसिबे ना नाही एमती अनेक प्रश्न एबे जनमानस रे कारण कैप्टेन का इस्तफा दाबी रे चारियाडु तेजुछि आंदोलन एबे मुखियांक पई बड़ा टेस्ट जनमत को सम्मान देबे ना मयूरभंज निष्पत्ति रहब रिपीट। बदनाम मंत्री दिव्य शंकर को निज पाखरे बसाइबे कि मुख्यमंत्री कोलाहांडी कार्यक्रम रे केऊ निष्पत्ति नेबे नवीन कैप्टेन को पाखरे रखिबे ना दूरई देबे चरमत को सम्मान देबे ना क्षमता अलंधुरे मदमस्त हेबे मुखिया विवादियों मंत्री को क्षेत्र रे मयूरभंज निष्पत्ति रो हेबो कि रिपीट। ममिता मर्डर मिस्ट्री को नै जळुछि ओडिसा कोलाहांडी कटक सबुठी गृह राष्ट्र मंत्री को इस्तफा दाबी आहारि भितरे हेबाकु जाउछि दिव्य शंकर मिश्रों भाग्य परीक्षा। मुख्यमंत्री को कोलाहांडी कार्यक्रम रे मंत्री को स्थान मिलिबो ना नाही ताकु नै एबे चर्चा कारण बहु चर्चित कोलाहांडी सनशाइन पब्लिक स्कूल रो अध्यापिका ममिता मेहर हत्याकांड रे विरोधी को हल्ला बोल और जन आक्रोश शुक्र रूप धारण करथिले मध्यम ए पर्यंत मुह खोली नांती मुख्यमंत्री दीर्घ 25 दिन हेबो घटना रे मंत्री को संप्रुक्ति प्रसंग पल्ली रु दिल्ली रे पहुंचिछि। मुख्यमंत्री को उत्तर को चाहि बसिछंती राज्यवासी और एभली स्थिति रे आसंता 8 तारीख दिन कोलाहांडी गस्तरे जाउछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और एथि पई आरंभ होईछि जोरदार प्रस्तुति सभास्थल ठू नई हेलीपैड और लोकों समागम सब दायित्व निजे नहीं मंत्री दिव्य शंकर मिश्र जिलापा और एसपी को धरी चारिड़े चक्कर काटुवा बेले करुछंती घन घन बैठक मात्र मुख्यमंत्री बदनाम मंत्री स्टेज सेयार प्रसंग को जोरदार विरोध कर उभय बीजेपी और कांग्रेस कथा अच्छे ओडिशा रे जे अलाजुक मुहरे खड़ा गच उठले से मत छाई जदि मुहरे लज्जा नथिबो मुख्यमंत्री तंकर जो दोषी तंकर जो दंड पाइबा को अपेक्षा करथिबा मंत्री को पाखरे बसेकी से तंकर राजनैतिक भविष्य निर्धारण करी। दिव्य शंकर मिश्र को दया करी स्टेज रे बसंतु नाही माननीय मुख्यमंत्री दिव्य शंकर मिश्र को स्टेज रे बसंतु नै बहुत आंदोलन होउछि जेते सेटे कांग्रेस के दिव्य शंकर मिश्र जदि स्टेज रे बसिबे कांग्रेस के बर्दाश्त करिवनी। एर भितरे कोलाहांडी रो कांग्रेस रो पूर्वतन सांसद तथा पूर्वतन केंद्रमंत्री ममिता घटना को नै सीधा सड़क मुख्यमंत्री को दफ्तर को दायी करथवा बेले ओडिसा रे राष्ट्रपति शासन पई दाबी करिछंती संपूर्ण मुख्यमंत्री कार्यालय एठी संश्लिष्ट एवं अपराधी मानंकर शासन चालीछि तेणु सरकार रो बरखास्त होवार आवश्यक अछि। माननीय मुख्यमंत्री तुरंत इस्तफा करंतु नहले राष्ट्रपति शासन जारी हो। सबडे विरोधी को एपरि संधुआसी आक्रमण रे खाइला होई छि बीजेडी दलर अनेक नेता कैमरा सामना रे मुह खोलु नांति आउ किछि नेता थथ मम होई केवल आइन ता बाटरे जीवा कथा कोई प्रसंग को एड़ाई जाउछंती मु तो सकता कहि परिबे नै किंतु निश्चित भाबरे एटा गुले दुखद घटना एवं जे मेन कल्प्रिट जहाँ पुलिस जी इनक्वायरी करुछि सेने धरिछथि एवं सबले मुख्यमंत्री महोदय से स्टैंड नै छथि बीजेडी भी स्टैंड नै छै जे निश्चय आइन ता बाटरे जी चर्चा हेउछि राज्य रे बदलुथिबा राजनैतिक पाणिपाग रो प्रमुख प्रसंग होई उभा होईछि ममिता मेहर हत्याकांड बीजेडी पश्चिम ओडिसा रे निज संगठन मजबूत करबा को अंटा भिडुथवा बेले ममिता केस रे मंत्री को संपृक्ति अभिजोग पुणि थरे छिडा करिछि
बड़ सरकार विरोधी हवा एसबु मध्यरे मुख्यमंत्री को कोलाहांडी कार्यक्रम रे मंत्री को स्थान जेउठी रहइबो ताही हेबो राज्यवासी को पई बड़ संकेत कोलाहांडी रु जसवंत दांगडा माझी को सब भुवनेश्वर रु कैमरा पर्सन चुन्ना मंडल को सह दिव्य ज्योति महांती को रिपोर्ट अर्गस न्यूज प्राइमर सरागु रहिछन गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु समय जाछ गोटे छोटो विरति रह पर्यायक्रमे खोलिबा स्कूल दीपावली परे एसओपी मध्यरे षष्ठ सप्तम श्रेणी खोलिबा पई चिंता करुछंती सरकार नुआ वर्ष भितरे सबु श्रेणी खोली जाइथिबो बोली आशा रखिछंती राज्य सरकार संबलपुर रे नै सूचना दैछंती गणशिक्षा मंत्री सिबरे डिसेंबर पूर्वरु 16,000 शिक्षक नियुक्त हेबे बोली कहिछंती मंत्री समीर रंजन दास दीपावली परे खोलिपारे षष्ठ व सप्तम श्रेणी समान एसओपी मध्यरे खोलिबो स्कूल पर्यायक्रमे प्रथम रु पंचम श्रेणी खोलिबाकु योजना डिसेंबर पूर्वरु नियुक्ति हेबे 16,000 शिक्षक कटकणा मध्यरे खोलिबो षष्ठ व सप्तम श्रेणी कोरोना पई जारी होइतबा एसओपी भितरे षष्ठ व सप्तम श्रेणी खोलिबा पई सूचना देले गणशिक्षा मंत्री समीर दास संबलपुर लेडी लुइस स्कूल गस्त बेले एहा कहिछंती मंत्री से कहिछंती जेहेतु कोरोनार तृतीय लहर धीरे धीरे कमिबारे लागिछि तेणु नुआ वर्ष आरंभरु प्रथमरु पंचम श्रेणी पर्यंत खोलिबा नै विचार करुछंती राज्य सरकार तेबे सब पर्यायक्रमे खोलिबो बोली कहिछंती मंत्री आमर आठ ठाउ तो अलरेडी खोलिबा सरी जाइछि त प्रथम पर्याय रे जे 6-7 संपर्क रे आमे विचार करबा तापर 1-5 परवर्ती अवस्था रे विचार करबा एसओपी कोन पालन करा जइबो खोलिया पूर्व एसओपी अलरेडी एसओपी अछि आपन जानि चोंती जो बाटे रे 8 रु 12 वर्तमान खोलिछि एवं क्लास चलिछि सेही एसओपी रे वर्तमान आमे 6-7 खोलिबा संपर्क रे चिंता करू कोविड कटकणा भितरे खोलिछि स्कूल स्कूल भितर को पसिबा पूर्वरु थर्मल स्कैनिंग को बाध्यतामूलक कराजबा सह कहा थारे किछि लक्षण प्रकाश पाइले सेमानकु क्वारंटाइन रे रखिबा पई व्यवस्था करा जाइछि लेडी लुइस स्कूल को अचानक गस्त करी विभिन्न स्मार्ट क्लास संपर्क रे छात्री मानक सह आलोचना करथिले मंत्री प्रथम पर्याय रे राज्य सरकार 1100 स्कूल को शामिल करबाकु योजना करथिबा बळे द्वितीय पर्याय रे 2500 स्कूल शामिल हेबे आसंता 3 वर्ष भितरे राज्यर समस्त स्कूल को एही योजना रे शामिल करबाकु योजना रहितबा मंत्री कहिछंती एतिपाय डिसेंबर पूर्वरु 16,000 शिक्षक नियुक्ति हेबे बोली कहिछंती गणशिक्षा मंत्री 16,000 शिक्षक आमे नियुक्ति करिया पई प्रक्रिया अलरेडी जारी अछि आपण जानिछंती डिसेंबर पूर्वरु अलरेडी परीक्षा समस्त परीक्षा अलरेडी जारी अछि टीजीटी रो आपण संस्कृत एबे आपण रिजल्ट बाहरि सारलेनी पीटी रो अलरेडी रिजल्ट बाहरि सारलेनी तनो शिक्षक पदवी पूर्ण पई अलरेडी सरकार समस्त कार्यक्रम नै सारिछ प्रथम पर्याय रे द्वादश व दशम तापर एकादश गत अक्टोबर 25 तारीख रु स्कूल जाउछंती अष्टम श्रेणी छात्र छात्री सकाळ 9 रु 12:30 पर्यंत क्लासरूम पाठ पढा हेउछि कोविड परिस्थिति को देखि स्कूल रे मध्यान भोजन को बंद रखिछि गणशिक्षा विभाग संबलपुर मलय भोइंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज सौंदर्यकरण बनाम गरीब कल्याण दोचकिरे डीएमएफ फंड जिला खनिज प्रतिष्ठान पांठि केमिति आउ कहा पाए विनियोग हेबा कथा पोखरीर सौंदर्यकरण रे ना आदिवासी विकास रे खणि अंचल गरीब लोकों विकास पाए विनियोग हेबा को थिबा पांठि को अबाट रे खर्च करी विवाद रे सुंदरगढ़ जिला प्रशासन देखिबा अर्गस रो ग्राउंड रिपोर्ट सुंदरगढ़ सहर रे थिबा बिजुली बंधर विकास पाई डीएमएफ फंड रु खर्च हेबो 31 कोटी टंका ए हेउची पोखरी सौंदर्यकरण पाई प्रशासन प्रस्तुत करथिबा मॉडल लो ब्लूप्रिंट रो चित्र पोखरी चारि पाखरे एमिति ढंग रे तयारी हेबो साइकिल ट्रैक म्यूजिकल फाउंटेन सह पिलांका पाई खेलिबा स्थान ओ नाटक प्रदर्शन पाई थिएटर भी हेबो एथिपाई काम आरंभ होई पोखरी खोलिबा पाई गोटे गोटे खर्च होइथिबा बळे पुणी पोतिबा पई आउ 2 कोटी खर्च होइछि एबे देखंतु खणि अंचलर चित्र सबुबळे खणि अंचलर धूळी धुआं खाउथिबा ए दमाळु गांर लोके पीबा पाणी पई ए कोरडी नाळा उपरे निर्भर करुछंती पाखरे चिकित्सालय नाही गां को भलो रास्ता टिए भी नाही पहाड़ उपर सिंग बस्तीरे तो बिजुळी भी नाही अपपुष्टर शिकार होई गाँव रुईट पिला अकाल चली गले
हेले ए पछुआ गाँव विकास कथा भूली एपटे किंतु पोखरीर विकास पाई डीएमए फंड्रु कोटी कोटी टंका खर्च करुछि जिला प्रशासन। शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन सारा विपर्यस्त अच्छे आंबुलांस सेवा एवं अनेक गाँव को पहुँची पार नहीं विद्युत सेवा नहीं नेटवर्क प्रोब्लेम अच्छी शिक्षक बहुत अभाव अच्छा परिस्थिति रे आम वास्तविक यहाँ गोटे आम प्रश्न बाची जे डीएमए पांठि कहापाई खर्च हो परिमाण जो जगार जो मान विनियोग हवा कथा से परिमाण अर्थ से ना केवल खर्च होती प्रकृत से लाभतार पाई ना आपणकर गमनागमन सुविधा ना आपणकर स्वास्थ्य सुविधा ना पूर्ण मात्रा में देखा ताहले डीएमए फंड रो एटी विपुल मात्रा दुरुपयोग एवं हजार हजार कोटी टंका केवल लोकों ना रे एटी हरिलुट कराई जे केन्द्र सरकार अंडर रे एटा कंट्रोल केन्द्र सरकार या को आइदर सीबीआई इनक्वारी करातु कि सीएजी ऑडिट करातु जहाँफल लोकलोचन को आसीबो सत्यासत्य जना पड़िबो। प्रशासन एभली निष्पत्ति को नहीं साधारण लोकों ठारु आरंभ कर विधायक पचारुछंती प्रकृत रे डीएमएफ पांठि कहा पाई एबे नजर पकांतु डीएमएफ रु खर्च होइथिबा आउ किछि प्रकल्पर वास्तवता उपरे ए हेउछि सुंदरगढ़ सहरर वाटर फिल्टरेशन प्लांट पानी को विशुद्ध करि लोकंकु जोगाई देबाकु डीएमएफ फंड रु एठि खर्च होइछि 4 कोटी टंका 2019 रु काम सरिछि हेले तयारी परे ए फाटि जिबारु प्लांट लोकंकु कामरे आसु नाही ना एठि पानी विशुद्ध हेउछि ना लोके यार सुफल पाउछंती। सुंदरगढ़ बाईपास रोड विकास पाई डीएमए फंड रु खर्च हेबो 56 कोटी टंका प्रति एक मीटर रास्ता पाई खर्च हेउछि 8 रु 10 लाख टंका हेले बुद्धिजीवी अभियोग कोल करिडोर हेबा परे ए रास्ता व्यवहार उपयोगी हेबो नाही जे बिजुली पोखरीर विकास पाई प्रशासन एठी 31 कोटी खर्च करुछि राउरकेला रे समान धरणर पोखरीर सौंदर्यकरण पाई मात्र 11 कोटी खर्च हेउछि। एबे देखंतु डीएमए पांठि खर्च कर गाड़ी अवस्था को खत खाऊ लक्ष लक्ष टंकार गाड़ी कोईडा अंचल अलिया आवर्जना सफापाई ए गाड़ी किण जाइला किंतु बास्तवता आपण आखि सामने डीएमए फंड अपव्यवहार नहीं अनेक बार अभियोग करने सीएजी ऑडिट दाबी कर कमिटर सदस्य तथा विधायक शंकर ओराम सीधा सीधा तृतीय महलारु तांकर इंस्ट्रक्शन अच्छी तृतीय महला अनुसार काम करछंती जेहेतु तांकु प्रोटेक्शन पूरा दिया होची सब प्रकार सरकार तांकु प्रोटेक्शन दउछंती सेथिपई एठिकार खाली मोर कथा नहो कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी किबा लोकंकर कथा सुनिबा पई से तयार नहंती। टीम मेंबर हेला परे परे प्रथमे आमे जो रेजोल्यूशन करथलु से रेजोल्यूशन अनुसार काम हेला नाही मीटिंग रे आमे गुडा जिंसु काम विरोध करलु जे आमकु न जणाई कि कोनोसी कार्य हेबा कथा नहो जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइंस डिपार्टमेंट जो जोटा गाइडलाइन अच्छी सुंदरगढ़ टाउन रे यदि फिल्टरेशन प्लांट होची 5 कोटी टका बिजली बंद खर्च होची एते कोटी टका एवं रास्ता रे खर्च होती एते कोटी टका ताकु जदि आपण मैनेज करि पारु नांती हजार हजार कोटी टका केमति मैनेज करि आपण सुंदरगढ़ टाउन बाहर रहिकि सुंदरगढ़ टाउन रे आपण आखि तळे आपण नाक तळे एटी सब प्रकार मंत्री आउछन्ते एमएलए आउछन्ते डब्ल्यूडीसी चेयरमैन आउछन्ते मुख्यमंत्री भी आउछन्ते एठी अवस्था गाँव रे अवस्था आपण भाबि नंतु। सुंदरगढ़ जिले में खणी प्रभावित अंचल विकास आसी 3432 कोटी टंका गाइडलाइन कहि खणी प्रभावित इलाकार सीधा प्रभावित होता लोकों विकास डीएमएफर 60% अर्थ खर्च हो बाकी 40% परोक्ष भाव प्रभावित अंचल खर्च होर पोखरी कोटि कोटि टंका खर्च होता बेले खणी अंचल लोकों कथा पासोरी दे जिला प्रशासन तेरे एने क्यमेरा सामने कि जिलापा मुह खोलू ना खणी अंचल विकास बदल रे बिजुली बंधर विकास पाई लागी पड़ी जिला प्रशासन बिजुली बंध को खोलिया खर्च कले कोटीए आ पोतिया खर्च कले 2 कोटी एवं आहुरी 31 कोटी खर्च हो कहते बिजुली बंधर व्यवराद को देखी एवं प्रश्न प्रकृत में डीएमएफ कहापी सुंदरगढ़ कैमरामैन उपेन्द्र और हेमंत सागर पटनायक शांतिभूषण मिश्र अर्गस न्यूज। महंगा डबल मर्डर पछर खलनायक किए काबुआर मृत्यु दुर्घटना ना हत्या ए सबू प्रश्न को नहीं बढ़ला मंत्री प्रताप जेना अड़ुआ कारण ए घटन साक्षी बयान रेकर्ड कर पुलिस एवं प्रश्न उठू निरपेक्ष तदंत हो ना आईन मंत्री को खसाइबापी हो षड्र मृत्यु दुर्घटना ना हत्या बढ़िला मंत्री प्रताप जेना अड़ुआ महंगा डबल मर्डर घटन साक्षी बयान रेकर्ड निरपेक्ष तदंत कर पुलिस ना आईन मंत्री को खसाइबापी हो षड्र
प्रथमे खोसाइबा पई उद्यम कोर्ट को निर्देश परे साक्ष्य ग्रहण भांगा डबल मर्डर मामलारे पांच जन साक्षी को बयान रेकर्ड कला महांगा पुलिस कोर्ट को निर्देश परे महांगा पुलिस साक्षी मानकर साक्ष्य नेबा पई थाना को डाकिथिले किंतु साक्षी माने सेमानको जीवन को विपद थिबारु थाना को आसी परिबे नाही तेणु साक्षी मानकर निज गां नृत्यको को आसी सार्वजनीन साक्ष्य नियंतु बोली पुलिस को लिखित अनुरोध करथिले किंतु सार्वजनीन साक्ष्य निया जाय परिबो नाही बोली पुलिस साक्षी मानको जणाइबा परे मृतकको पुओ रमाकांतको सो आउ चारि जण साक्ष्य प्रदान करिछंती तबे पुलिस काहि कि नृत्यको जाय साक्ष्य ग्रहण कला नाही ताकु नै भी उठिछि प्रश्न पुलिस चार्जसीट रु जेहेतु मंत्री ना काटिदेल आम मानवर अदालत को जाइलु मानवर अदालत जो निर्देश देते पुलिस से हिसाब से कार्यक्रम कला मुझे नोटिस करें का साक्ष्य दबा कथा जहाँ से मंत्री विरुद्ध जो आलिगेसन करूँ जहाँ चार्जसीट उल्लेख ना से सब तथ्य आम पुलिस प्रशासन को कल निर्दिष्ट भाव में जो कथा गुरा मंत्री विरुद्ध मानने मंत्री जहाँ सब करते जहाँ थी आम आलिगेसन मंत्री को साक्ष्य दे से जो आक्यूज बोली मंत्री आम बारंबार कही आसलु जहाँ आमर थी तथ्य आम पुलिस आई आई सी महोदय को देचु मान्यवर अदालत पर भरसा अच्छे पुलिस निरपेक्ष तदंत कर दोषी विरुद्ध कार्यानुषान ना बोली आम आशा रही मजिस्ट्रेट फर्दर इनभेस्टिगेसन डायरेक्शन दिखती से क्षेत्र में पुलिस स्ट्रिक्ट हुए आईन अनुसार ही कार्यानुषान ग्रहण करें जदि पुलिस पाखे साक्षी मैंने जो साक्षी दिखती ता 161 स्टेटमेंट हिसाब से विवेचना करा जाए जहाँ की कोर्ट रे एडमिसिबल नुहे आउ थरे सिमिलर साक्षी माने समान साक्षी 164 सेक्शन रे आसिकर देबे कोर्ट रे मजिस्ट्रेट के सामने रे सेटा होची ग्रहण योग्य गोटे कथा आसुची जे जेते बेले पुलिस चार्जसीट रे 13 नंबर अभियुक्त ना हटेई देला कोर्ट स्वतप्रभुत भाव रे प्राइमा फेसा देखिले बा प्रूफ देखिले प्रोटेस्ट पिटीशन जा फाइल हेतला ता प्राइमा फेसाइल प्रूफ करा गला जे हां ठीक अछि सो अकॉर्डिंगली मजिस्ट्रेट निर्देश देले आर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे सो वर्तमान जदि पुलिस कोनोसी प्रकार पक्षपातिता करे ताहले पुलिस अगेंस्ट रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय परिबो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट निर्देश देई परिबे किमा मजिस्ट्रेट 164 स्टेटमेंट अनुसार प्रोसीड करि परिबो जनवरी 2 रे बीजेपी नेता कुलमणि बराळ ओ दिव्यसिंह बराळ को अति निर्मम भाबे हत्या करा जायतिला मृत कुलमणि पुओ रमाकांत बरा एतला को भित्तिक मांगा थाना पुलिस 14 जन अभियुक्त नाँ एफआईआर ग्रहण कर 13 नंबर मुदला थे आईन पंचायत राज और नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना तेज चार्जसीट में मांगा पुलिस मंत्री प्रताप जेना ना काटिदेला रमाकांत जेएमएफसी कोर्टर द्वारस्थ हो प्रोटेस्ट पिटन करते मान्यवर कोर्ट घटनार गुरुत्व को नहीं तुरंत पुनः साक्षी मान साक्ष्य नेबापी मांगा थाना अधिकारी को निर्देश देते सेबडे महांगा डबल मर्डर घटनार अन्यतम अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाल ओरफ काबुआर मृत्यु भी रहस्य घेर में काबुआर मृतदेह मिलता मंत्री प्रताप जेना पर मालिकाना स्टॉकयार्ड निकटर मृत्यु पूर्व काबुआ फोन कर मंत्री प्रताप जेना फसाई कथा कही मृत कुलमणि पुओ रमाकांत कही काबुआर जबत मोबाइल सीम भी नाला जहां मंत्री प्रताप जेना प्रति सन्देह को बढ़ाऊ पूरा घटनारे पुलिस भूमिका प्रश्न घेर भितर बड़ प्रश्न मिली मिसी चापी देवेनी तो मांगरु असित सामल को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।